नमस्कार, फर्स्ट वी आर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। इस वक्त हम 10 रुकलड़वास राबड़ी देवी के आवास पे है, जहां पे तेजस्वी यादव आज दूसरे दिन प्रवक्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। इस वक्त मेरे साथ राजद के प्रवक्ता और विधायक सोनपुर से राम मनोहर प्रसाद हैं। आज बैठक बुलाई है दूसरा दिन। चर्चा ये है कि सरकार के जो फेल्योर्स है और हमारी पार्टी की जो नीति है, देश के जो हालात कर दिए गए हैं, जो ये पूरे जो महामारी में जो बीमारी में लोगों ने को मार दिया गया और बिहार की सरकार भी उसमें नाकाम रही, आज भी जो मैंने महामारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और भुखमरी की समस्या, तो इस पर हम लोग आपस में हम लोगों ने मंथन किया और ये किया कि सरकार के जो कमी है उसको उजागर करके जनता के सामने ले जाना है, जनता को उन मुद्दों को गुणबंद करना है, सरकार को एक्सपोज करके और उसके नाकामी के आधार पर हम लोग जनता से करें कि रिपोर्ट करना है। साथ साथ हम लोग को 5 तारीख को 5 जुलाई जो पार्टी की स्थापना दिवस है, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने की, जानकार चर्चा करी कि कैसे हम लोग करेंगे। इसमें हम लोगों का अपना एक तस्वीर है, उसको पार्टी के पार्टी चलाई। अच्छा, आरसीपी सिंह कहते हैं कि आरजेडी के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो जनता के बीच जा कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी। आरजेडी के पास बहुत ही है, जिनके जितने फेल्योर्स हैं वो तो हमारी एजेंडा ही है। तो ऐसा नहीं है कि आरसीपी सिंह ये कहते हैं, आरसीपी सिंह कहते हैं तो हम लोग जो देख रहे हैं डे टू डे का कि साहब बीजेपी के लोग क्या बोल रहे हैं, इनके लोग क्या कर रहे हैं, जो सरकार के फेल्योर्स है उस पर जो ये आ रहा है, मांझी जी कुछ कह रहे हैं, सहनी जी कुछ कह रहे हैं, भाजपा के MLA और MP कुछ कर रहे हैं, इस पर हम लोग कह रहे हैं। बाकी सरकार गिरनी होगी तो अपनी मौत मरेगी, हम लोग सरकार गिराने में नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो महसूस कर रहे हैं इसमें जनता को ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी सरकार जाएगी, सरकार काम ही नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री सरकार बचाने में लगे हुए हैं, पार्टी जोड़ने में लगे हुए हैं, दूसरे पार्टी को तोड़ करके, दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ करके और अपने को मजबूत करके बीजेपी जो उन पर धौंस दिखा रही है तो उस पर धौंस दिखाने में लगे हुए हैं। इसको देख करके हम लोग कह रहे हैं आरसीपी जो दिन रात इस काम में लगे हैं भी सामने हैं, तो हम मछली बनने के लिए जरूरी करते हैं फिर जा करके वहाँ ये करें। यहाँ बिहार की जनता सोनपुर से विधायक प्रवक्ता राम मनोहर प्रसाद को इस वक्त मेरे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, पूर्व विधायक है, प्रवक्ता है पार्टी के। लगातार दूसरे दिन प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, क्या क्या टिप्स दिया जा रहा है कि नजर पर सरकार को घेरा जाएगा, क्या यही तैयारी चल रही है? देखिए, बिहार के अंदर में जो अराजक स्थिति है, हर विभाग भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ रही है, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं शर्मसार हो रही है, अधिनायकवाद सर चढ़ के बोल रहा है, कर्मचारियों का अधिक पदाधिकारियों का सबको मनोबल कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। इन परिस्थितियों में नैतिक कर्तव्य प्रतिपक्ष होने के नाते बनता है कि हम जो जन सरोकार के सवाल हैं उन सवालों को प्लेटफार्म पर रख करके सरकार के जो सोई हुई है, जिसकी अंतरात्मा तो सोई है, अब गहरी निद्रा में, चिर निद्रा में सोई हुई है, उनको जगाएं और सच से रूबरू कराएं। तो हमारा प्रवक्ता का जो काम होता है निश्चित तौर पर जो जन सरोकार के सवाल हैं उन सवालों को हम रख करके सरकार पर ध्यान आकर्षित करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है और इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निरंतर हम बैठक भी करते हैं और बैठक में जो चीज़ें ज्वलंत सवाल हैं, अब बताइए कभी सबसे बड़ा सवाल किसान का सामने आ खड़ा है, मुंबई खड़ा है, बिचड़ा जिन लोगों ने बोया, जो बारिश काफ़ी मात्रा में हो रही है, जो वर्षा का अनुपात है आप देख लीजिए किस स्तर से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान एक बार पहले ही बिचड़ा बोने के पहले ही उसकी असफलता हाथ लगी, किसान को कहीं ना कहीं मरमाहत। तो इन सवालों पर सरकार को ध्यान आकर्षित कर करके उनको मुआवजे की बात करेंगे, क्योंकि हर स्थिति में कहीं ना कहीं किसान मुँह की खा रही है, हर झंझावातों का सामना किसान कर रही है, हर घाटे का सौदा किसान कर रही है। तो इन परिस्थितियों में सरकार को, आपका क्या है कृषि रोड मैप, आप 15 वर्षों से कृषि रोड मैप की बात करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट को कृषि रोड मैप में, कृषि कैबिनेट में आपने जोड़ करके रखा है, तो आखिर किसानों को जो हरजाना है, जो लगातार वो भुगत रही है, उसके संदर्भ में उसकी व्यापक कार्य योजना राज्य सरकार ने अभी तक खड़े नहीं किया है। तो प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि किसानों के सवाल पर हम चुप नहीं बैठेंगे, लोकतंत्र को भी रक्षा करना मेरा नैतिक धर्म है और किसानों का भी। और बताइए कि बिहार जहां आपका गेहूं के उत्पादन का अधिप्राप्ति करनी है, वो हमारा किसान का उत्पादन का अधिप्राप्ति नहीं हो रहा है, अब बाहर से सड़ा हुआ गेहूँ पंजाब से कैसे मंगवा रहे हो, पूरा रैक कैसे आ रहा है, पूरी रैक सड़ा हुआ
दिखाना कुछ कर, क्या कोरोना काल में बीमारी फैलाओगे? आपने जो गोपालगंज में रैके उतारी है, क्या बिहार के अंदर में सरप्लस उत्पादन नहीं है गेहूं का जो बाहर से आपको लाना पड़ता? आप डैम आप ग्राउंड बनाना चाहते हैं बिहार को, सड़े हुए गेहूं का, सड़े हुए अनाज का? यहां का जो किसान उत्पादन कर रहा है उसका क्या होगा? उसको आपने बोनस तक नहीं दिया और उसकी अधिक प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जो हमारा लक्ष्य है सरकार का, उन लक्ष्यों की अधिक प्राप्ति में आप फिसड्डी साबित हो रहे हैं। तो अच्छा, गेहूं के सब धान के सवाल पर जो अधिक प्राप्ति हुई है, अब देखिए कि क्या पैक्सों की हालत है। अभी तक जो है धान के कुटाई नहीं हो पाई है, इसके चलते पैसे लोगों को नहीं मिल रहा है। ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच में जो प्राकृतिक जो आपदा सामने आप देख रहे हैं, इन आपदाओं से किसानों को कौन बचाएगा? सरकार किसके लिए होती है? वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर स्कीम चलती है किस लिए? सरकार के लिए चलती है। इन सवालों पर तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम ध्यान आकर्षित करेंगे। आपको मिर्ची लगेगी लगे, हमें उससे मतलब नहीं है कि आपको मिर्ची लग रही है। मैं जानता हूं कि आप नैतिक बल आपका खत्म हो चुका है। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार अनुकंपाई सरकार है, ये सरकार चार पाए की सरकार है, कृपा पर टिकी हुई है। जो सरकारें स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने स्वयं कहा था कि हम आगरा पर मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप आगरा पर मुख्यमंत्री बिहार का क्या भला करिएगा? आप तो लूट सको जो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। इन स्थितियों में अगर सरकार आ जाए तो निश्चित तौर पर बिहार का दुर्भाग्य होना है। एक अंतिम सवाल सर, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए, आज तक क्या बिहार में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन पाया जहाँ पर एक मुख्यमंत्री की बात करिए वर्तमान कर ली जाए इलाज करावे, क्योंकि माझी जी चले गए उससे पहले नीतीश कुमार खुद इलाज करा? देखिए, बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त है। अभी तक कंस्ट्रक्शन के नाम पर जितने भी अस्पतालों के निर्माण हुए हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, दवा की आपूर्ति नहीं है। और देखिए कि तबेले में तब्दील, बिहार का स्वास्थ्य जो महकमा है वो तबेले में तब्दील है। उसका कई हमने ट्वीट के माध्यम से बिहार की जो तस्वीर है, कहीं भूसा है, कहीं कुट्टी है, कहीं ताश खेलता हुआ लोग, कहीं जानवर बंधे हुए हैं, कहीं लोग बैठ करके उस पर मटर गस्ती कर रहे हैं। ये अस्पताल की बिहार की दशा है। अब समझ सकते हैं कि आपका PHC एडिशनल PHC या फिर उप स्वास्थ्य केंद्र का हालात जब बदतर है तो वहाँ स्वास्थ्य मकामे का क्या हाल होगा? कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने अस्पताल की ड्योढ़ी पर ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवा के लिए, टेस्ट के लिए दम तोड़ता हुआ दिखाई दिया, यह सरकार की अकर्मण्यता, इसकी कुप्रबंधन का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? आप पूरी तौर पर मानिए सरकार किस क्षेत्र में, एक क्षेत्र में, एक सरकार पर मेरा सीधा हमला रहता है। यह हमला नहीं, ये सत्य है कि चाहे नर्स की बहाली हो, टीचर की बहाली हो, सिपाही की बहाली हो, एक रूम, एक सीरीज, एक वर्ग और एक जाति के लोगों का रिजल्ट निकल जाता है, लेकिन बाकी लोग चुपचाप मुंह टकटकाए देख जाते हैं। अब कौन सा मैकेनिज्म है, जानना चाहता है बिहार का युवा, जानना चाहता है कौन सा मैकेनिज्म है कि एक रूम में, एक सीरीज में, एक वर्ग, एक जाति के लोग का रिजल्ट निकल जाता है। और अब नियोजन की जो खास करके आपने अर्हताएँ तय की है, नियोजन में खास वर्ग, खास जाति, रॉयल ब्लड के लोगों को खास करके उसमें नियोजित करने का निर्णय लिया है, तो सवाल तो सामने खड़ा होगा, चुपचाप लोग नहीं बैठेंगे। अब बताइए कि कट मार्क क्या हुआ, गेट परीक्षा में क्या आया? कट मार्क से 15 अधिक अंक होने के बावजूद भी रिजल्ट प्रकाशित तो नहीं हो पाए, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का कितना बड़ा प्रबंधन है समझ सकते हैं? ये रॉयल ब्लड के लोगों को बाहर से इम्पोर्ट करके अधिकारियों को लाते हैं, अपने रॉयल ब्लड के लोगों को और ला कर करके यहाँ पर संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। चलिए, बिल्कुल, आज जो है दूसरा दिन है, मीटिंग बुलाई गई है और तमाम मुद्दों को जो सरकार की कमी रही है वो RJD का एजेंडा रहेगा। तो फिलहाल कितना ही, देखते रहे फर्स्ट 2000।